एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करेंगे जो CBFS T10 लीग का आज के दिन का पहला मैच होगा, जो खेला जाएगा प्राइम हाइट ट्रांसपोर्ट वर्सेस जेड गेम्स स्ट्राइकर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है ना ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मुकाबला है स्टार्ट होगा रात में 9 बजे, सेम ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा। विकेट जो है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी रहता है कि मतलब यहाँ पर बॉलर्स को मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिलती है एज़ कम्पेयर टू बैटर्स। एवरेज स्कोर 70 से 90 बनता है। 7 मैचेस हो चुके हैं, 1 जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 6 में यहाँ पर चेज हुआ है। अब देखो जो 7 मैच यहाँ पर हुए ना उसमें आप देखो फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 20 विकेट है। सेकेंड इनिंग में 8 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 9 विकेट है। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे ना यहाँ पर तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरे हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग। अब देखो पहले बात करेंगे जेड गेम्स स्ट्राइकर्स की टीम की, 2 मैच खेली हैं, 1 जीती है 1 हारी है। ओपन करेंगे शाहरुख अमीन और इनके साथ में आएंगे यहाँ से अब्दुल्ला सलीम। शाहरुख अमीन की बात करूँ पहले मैच में 8 नॉट आउट है, दूसरे में 5 रन 1 विकेट है। वैसे ज़्यादा बॉलिंग करवाता नहीं है लेकिन लास्ट मैच में 1 ओवर इसने डाला था। बैटिंग से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत स्लो बैटिंग करता है। अब्दुल्ला सलीम पहले में बैटिंग नहीं आई, दूसरे में 20 रन की इसने अच्छी पारी खेली थी और अगर ओपनिंग में खेलता है तो एक अच्छा पिक आपके लिए रहेगा। रिसेंट फॉर्म 43, नो बैटिंग 12-15-40 है। बाबर आगा जो है ना ये बहुत ही ऊंचे लेवल का प्लेयर है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है और हाल फिलहाल में UAE में खेलने लगा है, अच्छा प्लेयर है ये। नो बैटिंग है, दूसरे में 50 नॉट आउट है, हालांकि इसको बॉलिंग मिल नहीं रही फिर भी इंपॉर्टेंट है। अहान फर्नांडिस पहला मैच खेला नहीं, दूसरे में 10 रन है, रिसेंट फॉर्म 6-3-31-3-2 है। यहाँ से सरदार बहाजद हैं, पहला मैच खेला नहीं, दूसरे में 1 रन है, नीचे बैटिंग कर रहा है। फैजल अल्ताफ भाई पहले में 4 विकेट ले गया, दूसरे में बंदे को 1 ओवर करवाया। एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे जो छोटे लेवल के टी10 में जो चीज़ें होती है ना एक्सपेरिमेंट, वो यहाँ पर भी होते हैं। अब आप देखो ये बंदा पहले मैच में 4 विकेट ले गया, दूसरे मैच में भले इनकी टीम हार गई लेकिन इसको ना एक से दूसरा ओवर नहीं दिया इन लोगों ने। मोहम्मद अजहर पहला मैच खेले नहीं, दूसरे में 2 ओवर डाले, विकेट लेस थे, लेकिन ये ना एक विकेट टेकर स्पिनर है, ध्यान रखना बहुत ही तगड़ा स्पिनर है, मान के चलो भले ही लास्ट मैच में विकेट लेस गया हो। 179 मैच में 225 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट है। इरफान खतक पहला मैच खेला नहीं, दूसरे में 2 विकेट थे, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट है, बढ़िया फॉर्म है इनका। आर्यमन शर्मा लास्ट मैच खेला, बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी। मोहम्मद इस्माइल स्पिनर है, पहले में 1 विकेट, दूसरे में विकेट लेस है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 रन और 0 विकेट है। मुबीन अली है, पहले में 2 विकेट है, दूसरे में विकेट लेस गया था, इसके नाम रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट है। तो ये भी अच्छा बॉलर है मेरे हिसाब से। अभी के लिए देखो मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, शाहरुख अमीन को मैं छोड़ रहा हूँ, आपको अगर सेफ जाना है आप बिल्कुल लो, मेरी मना नहीं रहती। मैं देखो मेरा मेन काम है वीडियो में आपको स्टैट्स बताना, उसके बाद आप टीम खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैं जो टीम दूंगा वो चलेगी, आप खुद से मुझसे भी अच्छी टीमें बना सकते हो। स्टैट्स मैं आपको सारे बता दूंगा, इस बात की गारंटी है, प्लेइंग 11 आपको दे दूंगा मैं पूरी, और जो भी न्यू प्लेयर्स आते हैं उनके स्टैट्स दे दूंगा। अभी के लिए देखो मैं क्या करूंगा, अब्दुल्ला सलीम को रखूंगा, बाबर आगा को रखूंगा, नीचे से फैजल अल्ताफ, मोहम्मद अजहर, इरफान खतक और यहाँ से मुबीन अली को रखूंगा। बाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी खेले स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे मोहम्मद इस्माइल, इरफान खतक, मोहम्मद अजहर, डेथ में आएंगे मुबीन अली, इरफान खतक, मोहम्मद इस्माइल। सामने जो टीम है वो है, यहाँ पर इनका पहला मैच होगा प्राइम हाइट ट्रांसपोर्ट की टीम का। अब देखो इनके मैंने ना इनके जो प्लेयर है देखो, ये हाल फिलहाल में इनका जो क्लब है वो पूरा साथ में खेला भी नहीं है, अलग अलग क्लब के लिए खेल के आ रहे हैं सारे प्लेयर्स। तो इनमें क्या हुआ है, क्या हो रहा है अलग अलग क्लब में खेले, तो ये जो 4-5 प्लेयर दिख रहे हैं ना आपको ये ऊपर के, यहाँ से साकिब खान, अतिकुर रहमान, रफीक जमान, मोहम्मद सागिर अफरीदी और अब्दुल्ला खान, तो ये जहाँ जहाँ जिस जिस क्लब में खेल रहे थे ना लगभग सारे के सारे प्लेयर ओपनिंग ज़्यादातर मैच में कर रहे थे। ये तो फिर भी यहाँ पर वन डाउन वगैरह खेल रहा था लेकिन ये बाकी के 4 तो ओपन ही कर रहे थे, तो इसलिए रिस्की बन जाता है थोड़ा सा, क्योंकि भाई इनमें से कोई भी ओपन कर सकता है। और इनका एक ये और दिक्कत है कि इनका ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर नहीं आता, इनके बस प्लेइंग 11 बता देते हैं, ये नहीं बताते कि भाई बैटिंग ऑर्डर क्या है, तो इसलिए थोड़ा रिस्की है। लेकिन जो मेरे को लगा है वो ये है कि ये दोनों ओपन करने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है दोनों,
साकिब खान है, इसका रिसेंट फॉर्म आप देखो 53, 36, 31, 21, 17 बहुत तगड़ा फॉर्म है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इनमें से कोई कम खेलते हैं प्लेयर तो फिर अपने लिए और भी आसान हो जाएगा काम। अतिकुर रहमान बहुत तगड़ा बैटर है, 38, 3, 30, 68, 9 बैटिंग है। रफीक जमान 9, 8, 0, 3, 8 है, फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है इसका। मोहम्मद सागिर अफरीदी अच्छा प्लेयर है, 15, 78, 45, 4, 27 है। अब्दुल्ला खान 8, 1, 9 बैटिंग 0, 0 हैं, और ये भी यहाँ पर ओपनिंग में आ सकता है अगर इनके जो मेन ओपनर है वो ना खेले तो। ओवरऑल रिकॉर्ड भी मैंने सबका लिखा हुआ है यहाँ पर। अमजाद खान है 15, 5, 9, 28, 14 है, ओवरऑल 81 मैच में 1928 रन है। अब्दुल्ला लतीफ आयोबी है, ये इनका मेन बॉलर है एक, रिसेंट फॉर्म 0 रन 0 विकेट और यहाँ से 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। मोहम्मद अरशाद है 1 विकेट 0 विकेट 32, 2 विकेट 0 विकेट 7 रन, ये इसका रिसेंट फॉर्म है। मोहम्मद नईम 169 मैच में 127 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 9 बैटिंग 1 विकेट है। और यहाँ से जो है ना मेहरबान, ये बहुत अच्छा बॉलर है, 71 मैच में 72 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट है। और रियाज खलीक है, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, रिसेंट फॉर्म 102 मैच में 113 विकेट, तो इसके नाम ओवरऑल है। और रिसेंट फॉर्म भी अगर आप इसका देखोगे 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और यहाँ से 1 विकेट है। तो यहाँ से अभी के लिए मैं टीम में रखूँगा साकिब खान, अतिकुर रहमान, रफीक जमान को रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये तो या वन डाउन खेलेगा या ओपनिंग करेगा, इसलिए रख रहा हूँ। बाकी नीचे से मैं यहाँ पर टीम में रखने वाला हूँ मेहरबान शाह अफरीदी और रियाज खलीक। बेंच पर जो प्लेयर हैं उनके देख सकते हो आप, फरीद गुलाम है 84 मैच में 321 रन 74 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है, बॉलिंग करना मेन काम है इसका। सना उल्लक भट्टी है 19 मैच में 198 रन, रिसेंट फॉर्म 23, 6, 10, 1, 0 है। मोहम्मद इरफान अगर खेलता है तो बहुत अच्छा बॉलर है, आप देखो लास्ट के 4 मैच में 2-2 विकेट निकाल के आ रहा है। रहमान गुल है 484 मैच में 13,000 रन 300 विकेट, रिसेंट फॉर्म 6 रन 0 विकेट 1 रन 0 रन 10 रन 10 रन 2 विकेट है। बाकी के प्लेयर के स्टेट्स नहीं है, एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। अभी यहाँ पर अपन चलते हैं डेमो टीम की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है अतिकुर रहमान, अब्दुल सलीम, और यहाँ से मैंने रखा हुआ है एस खान को। और बात करूँ मैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, बाबर आगा, मोहम्मद अजहर, रफीक जमान, यहाँ से देख सकते हो एम शाह, रियाज खलीक, फैजल अल्तब, मुबीन अली, इरफान खतक, ये 5 मेरे बॉलर हैं। कैप्टन मेरे यहाँ पर बी आगा है, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ पर अतिकुर रहमान है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।